आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, एक ऐसा कार्यक्रम जो आप तक लाता है दुनिया भर की अहम खबरें और जानकारियां। कई घटनाएं दूसरे देशों में होती हैं, लेकिन उनका असर हमारी और आपकी जिंदगी पर पड़ता है। युद्ध हो, प्राकृतिक आपदा या फिर दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश के राष्ट्रपति का चुनाव, इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं न्यूज 24 पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की कवरेज बीबीसी दुनिया में। आखिरी दौर में पहुंचा अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। 5 नवंबर को होनी है वोटिंग। दोनों मुख्य पार्टियों के उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। जानेंगे एक दूसरे पर हावी होने के लिए क्या कर रहे हैं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। भारत के साथ साथ अमेरिका में भी धूमधाम से मनाई जा रही है दिवाली। दिखाएंगे कैसे खुशियां मना रहे हैं भारतीय मूल के अमेरिकी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे क्या हैं भारतीय मूल के अमेरिकियों के मुद्दे, उन्हें रिझाने के लिए क्या कर रही हैं वहां की पार्टियां। जानेंगे वॉशिंगटन डीसी में मौजूद बीबीसी संवाददाता से, लेकिन पहले हेडलाइंस। हमास ने किया संघर्ष विराम से इनकार। हमास के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, गाजा में अस्थायी संघर्ष विराम का कोई भी प्रस्ताव नहीं है स्वीकार, एक महीने से भी कम वक्त के लिए। संघर्ष विराम की पेशकश के अटकलों को किया खारिज। स्पेन के वैलेंसिया समेत कई इलाकों में अचानक बाढ़ आने से मची भीषण तबाही। चंद घंटों में ही हो गई एक साल के बराबर बारिश। अब तक 95 लोगों की मौत, दर्जनों लापता। बांग्लादेश में 3 महीने पहले शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद और देश छोड़ने के बाद हुई हिंसा की चपेट में आया अल्पसंख्यक समुदाय, अब किस हाल में है दिखाएंगे बांग्लादेश से ग्राउंड रिपोर्ट। आज भारत में दिवाली मनाई जा रही है और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में भी इसकी रौनक है। वहाँ बस 5 दिन बाद नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होनी है। इन चुनावों में अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय की भी खासी अहमियत है। जानेंगे कैसे वो मना रहे हैं दिवाली और चुनाव में वो किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। तो भारत में आज दिवाली मनाई जा रही है और अमेरिका में हैलोवीन, लेकिन वहां रह रहे भारतीय अमेरिकियों की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से भी दिवाली के कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ऐसे ही एक कार्यक्रम में कैमरा पर्सन देवलिन रॉय के साथ पहुंचे बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्या। देखिए वहां से उनकी रिपोर्ट। वॉशिंगटन डीसी का डाउनटाउन यानी वॉशिंगटन डीसी शहर का दिल, जहाँ पर यूएस नेवी मेमोरियल की बिल्डिंग में ये प्रोग्राम हो रहा है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। ये सालाना प्रोग्राम है जिसको मेयर का ऑफिस ऑर्गेनाइज करता है और यहाँ पे इंडियन के अलावा साउथ एशियन, ईस्ट एशियन लोग भी हैं, वो लोग जिनके यहाँ दिवाली मनती है और वो लोग जो दिवाली के बारे में जानना चाहते हैं। बाहर हो तो और भी ज़्यादा मिस होता है, घर मिस होता है, मन करता है आने का। और मेयर इवेंट करते हैं हर साल तो अच्छा लगता है। यहाँ अच्छा है पर इतना अच्छा नहीं है जैसा बैक इन इंडिया था, वैसा तो बिल्कुल नहीं। लाइक वहाँ तो हम लाइक ओपनली एंजॉय करते थे, यहाँ इंडोर तो कुछ भी पता नहीं चला। मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ, यहाँ बेटे के पास आई भी हूँ, तो ये भी सेलिब्रेशन कर रहा है दीपावली का, तो इसने भी हंड्रेड्स अबाउट के कभी लोग आने वाले हैं। ओम अस्य कर्मणा भवन्तो ब्रुवन्तु पुणे गंगाय पश्चिमे भागे अमेरिका देशे डीसी पुण्य। यहाँ पर बहुत सारी जो नरेशन है वो अंग्रेजी में की जा रही है। जो पंडित जी हैं उन्होंने अपने मंत्र भी पहले अंग्रेजी में समझाए और साथ ही में साइन लैंग्वेज के जरिए भी यहाँ पर लोगों को सारी बातचीत कन्वे की जा रही है, ताकि जो लोग नए हैं वो समझ सकें कि दिवाली का महत्व क्या है, भगवान राम के घर आने का ये जो सेलिब्रेशन है इसको किस तरह से किया जाता है। Staying outside of India, any... भारत से बाहर रहते हुए हम त्योहार मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये आयोजन परिवार और त्योहार की खूबसूरत यादें ताजा करता है और हमें लगता है कि ये भी हमारी ही दुनिया है। मेरी नानी जब आंध्र प्रदेश में रहती थी तो उन्होंने कुचिपुड़ी सीखा। यहाँ आई तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बेटी यानी मेरी माँ को सिखाया और उन दोनों ने मुझे। दिवाली का
थोड़ा सा दुखद खाना है ये, चावल, पनीर, दही भल्ला और शायद ये पकौड़े हैं, बट डीसी में है तो ये भी चलेगा। हैप्पी दिवाली। और बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य इस वक्त खुद हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से जुड़ गई हैं। दिव्या, हमने तो यहाँ और वहाँ दोनों दिवाली की रौनक देख ली। व्हाइट हाउस में इस बार राष्ट्रपति बाइडेन की आखिरी दिवाली है, तो इस बार की दिवाली कितनी खास? व्हाइट हाउस सारिका मेरे पीछे है और यहाँ पर खूब सारे टूरिस्ट हैं जो इसके साथ फ़ोटो भी खींचने के लिए आए हैं, तो शायद थोड़ा आपको शोर भी सुनाई दे रहा हो, लेकिन शोर जो है वो इलेक्शन रैलियों का भी इस वक्त बहुत बढ़ गया है। और उन इलेक्शन रैलियों में जाहिर है सभी अमरीकी के वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय मूल के जो अमरीकी हैं उनके वोट पर दोनों ही पार्टियों की निगाह है। जाहिर है डेमोक्रेट पार्टी में ज़्यादा जोश है क्योंकि कमला हैरिस खुद भारतीय मूल की हैं और इस बार उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर हम एक सर्वे की बात करें, प्यू रिसर्च सेंटर जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उन्होंने 2022 में भारतीय अमरीकियों का सर्वे किया था और उसमें पाया था कि 2/3 लोग या तो डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक हैं या उन्हें पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिशनली भारतीय अमरीकी वोट डेमोक्रेट पार्टी के साथ रहा है, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका भी अब एक आउटरीच हम भारतीय समुदाय की तरफ देख रहे हैं, खासतौर पर जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनकर आए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए। तो आपको ध्यान होगा दक्षिण अमरीकी स्टेट टेक्सस में एक बहुत बड़ा हाउडी मोदी करके एक कार्यक्रम हुआ था जो खास भारतीय अमरीकियों की आउटरीच के लिए था। यहाँ पर कई संगठन भी बने हैं इन पिछले 10 सालों में जो खासतौर पर भारतीय अमरीकियों तक अपनी पहुँच बनाने की कोशिश कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी द्वारा। पर इस चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी में एक जोश जो हम देख रहे हैं वो कैंपेनिंग में भी है, डोर टू डोर कैनवसिंग में भी है, और जो वॉलंटियर्स की तादाद है वो भी उनमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। जी दिव्या, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन चुनाव के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं, ये भी जान लेते हैं कि इन आखिरी 5 दिनों में किन बातों पर नज़र रहेगी। तो सबसे पहले जो आम अमेरिकियों की ज़िंदगी पर असर डालता है वो है महंगाई का मुद्दा। अमेरिकी चुनाव में अर्थव्यवस्था एक अहम मुद्दा है और चुनाव के इस आखिरी दौर में दोनों ही उम्मीदवार अमेरिका की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए खुद को दूसरों से बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा जिस पर नज़र रहेगी वो है अबॉर्शन यानी गर्भपात। डोनाल्ड ट्रंप इसके नियमों को सख्त करने की वकालत करते हैं, वहीं कमला हैरिस गर्भपात को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देने की वकालत करती है। और तीसरा अहम मुद्दा है सीमा और आप्रवासन। डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी अभियान इस पर भी केंद्रित है। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर उनका दावा है कि अप्रवासियों के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि बाइडेन प्रशासन अवैध अप्रवासियों को रोकने में नाकाम रहा है। और दिव्या इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दिव्या, बहुत सारे मुद्दे हैं अमेरिका के चुनाव में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वहां के लोगों के लिए क्या है और भारतीय समुदाय के लिए क्या है? सारे का जो भारतीय समुदाय है वहाँ, यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं, वो जो यहाँ पर वीज़ा पर हैं और वो जो यहाँ जी। तो अभी दिव्या की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन भारतीय समुदाय के लिए भी बहुत सारे मुद्दे हैं और इस बार दोनों ही पार्टियों की तरफ से भारतीय समुदाय तक पहुँचने की कोशिश हुई है। कमला हैरिस जिनका नाता भारत से भी है, उनकी वजह से वहाँ पर भारतीय समुदाय में खासा उत्साह है। और इस बार दिवाली की कई पार्टियां भी हुई जिसमें बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोग भी वहां पर शामिल हुए हैं, इसलिए वहां इस बार की दिवाली खास है। सिर्फ 5 दिन बचे हैं वहां पर राष्ट्रपति चुनाव में। और दिव्या, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? बिल्कुल सारिका, लाउड एंड क्लियर। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि भारतीय समुदाय के लिए क्या मुद्दा है, हम जल्द अगर समझना चाहें तो। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा इमिग्रेशन का है क्योंकि भारत से बहुत ज़्यादा लोग लीगली आते हैं लेकिन यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन पे बात होती है। और भारतीय समुदाय का कहना है कि लीगल इमिग्रेशन के रूल्स उनके लिए इतने अच्छे नहीं हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, वो यहाँ आ जाते हैं पर यहाँ पर लंबे दौर में रहने में उन्हें बहुत परेशानियाँ आती हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा गर्भपात का है क्योंकि इंडिया में राइट टू अबॉर्शन दशकों से औरतों को मिला हुआ है, तो जो औरतें यहाँ आई हैं फिर उनकी बेटियाँ हुई हैं उन सबको लगता है कि अगर ये राइट उनसे छिनता है, और अमेरिका में माना जाता है कि भ्रूण का भी एक राइट टू लाइफ है और उसको वो राइट टू अबॉर्शन के अगेंस्ट देखते हैं, इसलिए बड़ा ही यहाँ पर एक विवादास्पद मुद्दा है। उस मुद्दे पर भी भारतीय समुदाय में एक बहस छिड़ी हुई है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये राइट उनसे छिन जाएगा तो एक तरह से पीछे चले जाएंगे आगे बढ़ने की जगह। शुक्रिया दिव्या इस पूरी जानकारी के लिए। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जुलाई और अगस्त में हिंसा हुई और वहां की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को भी देश छोड़कर जाना पड़ा।
उस हिंसा को लेकर हो रही संयुक्त राष्ट्र ने जांच की तो सामने आया कि उस दौरान कम से कम 600 लोगों की मौत हुई थी और अल्पसंख्यक समुदाय जिनमें अधिकतर हिंदू हैं उनके साथ ही बौद्ध और ईसाई समुदाय ने अपने खिलाफ आगजनी, कत्लेआम और यौन हिंसा की बात कही। इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए। तब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वो इसे लेकर बातचीत करने को तैयार है। हिंसा के उस दौर को अब 3 महीने हो चुके हैं और अब बांग्लादेश का अल्पसंख्यक समुदाय अपने हालात के बारे में क्या सोच रहा है, जानिए बांग्लादेश से बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित और शाद मिद्दत की रिपोर्ट में। उन्होंने मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार किया वो मैं बता नहीं सकती। वो जंगली जानवरों की तरह थे। विरोध ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। हिंदू समुदाय बांग्लादेश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय। कुल आबादी में हिंदू तकरीबन 8% हैं। दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों में बौद्ध समाज और ईसाई समाज के लोग भी गिने जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटाए जाने के बाद हुई हिंसा में खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुई ज्यादती को लेकर विरोध हुए और नई सरकार पर सवाल भी उठे। अगस्त के महीने में यहाँ की माइनॉरिटीज पर 2000 से ज्यादा हिंसक हमले हुए, ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकर्ता बताते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से यहाँ जुलाई और अगस्त में हुई हिंसा को लेकर जांच की मांग की है और वो जांच फिलहाल जारी है। इस कहानी के दो पहलू हैं तो आप अंत तक हमारे साथ ही रहिए। पहली बात, हिंसा से जो जिंदगियां प्रभावित हुई थी वे आज किस हाल में हैं, क्या वे फिर पटरी पर लौट पाई हैं। दूसरी बात, यहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी के सामने जो नए चैलेंजेस उभर कर आए हैं उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम बांग्लादेश के उस हिस्से में आए हैं जहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात माने तो हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं घटी थी खुलना में। अपना नाम जाहिर ना करने की और अपने इलाके में न मिलने की शर्तों पर हम एक हिंदू महिला से मिले। यौन उत्पीड़न का शिकार हुई इस महिला की आपबीती उन 2000 से अधिक वारदातों में शामिल है जिसका ब्यौरा यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता देते हैं। 5 अगस्त हमारे लिए एक आम दिन था। रात करीब 8:50 को लगभग 20 से 25 लोग हमारे घर में घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। मेरे पति बच्चों को लेकर भाग गए। मैं और मेरी सास घर पर ही रहे। तभी उस भीड़ में से 2-3 लोग मेरे पास आए, रसोई से एक चाकू लेकर मेरे पर तान दिया, मुंह बंद कर दिया। मैं डर गई, कुछ नहीं बोल पाई। उन्होंने मुझे मेरे घर के अंदर ही प्रताड़ित किया। उन लोगों ने मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार किया मैं बता नहीं सकती। मैंने कभी उन लोगों को नहीं देखा है लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो जंगली जानवरों की तरह थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम हिंदू हैं। उनके पति और उन्होंने पुलिस के पास न जाने का फैसला लिया है। कारण पूछने पर बताया कि प्रशासन से उनका विश्वास उठ गया है। हम वहां से निकल ही रहे थे तब उनके पति ने हमसे पूछा, क्या हम भारत में शरण ले सकते हैं। धीरे धीरे खुलना में भी हालात सामान्य होते नजर आते हैं लेकिन विश्वजीत साधु ऐसा नहीं मानते। उनकी दुकान और घर पर भी हमला हुआ था। यहाँ के अधिकतर हिंदू पलायन कर चुके हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे चले गए हैं, जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी जमीन है वे नहीं जा रहे हैं। जबरन वसूली और जमीन पर कब्जा वर्तमान में चल रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। एक और बात है जो साधु जैसे लोगों को निराश कर रही है, वो है भारत सरकार के बांग्लादेश में अपने वीजा ऑपरेशन को कम करने का फैसला, जिसकी वजह बताई गई है कानून व्यवस्था की हालत। अब हम यहाँ खतरे में हैं। अगर मैं भारत अपनी सुरक्षा के लिए जाना भी चाहूँ तो ये संभव नहीं है। बांग्लादेश की सरकार से हमने पूछा कि ये असंतोष वे किस तरह दूर करने वाले हैं। हमारे दरवाजे बातचीत और चर्चा के लिए हमेशा खुले हैं। हालांकि अगर वे सड़क पर प्रदर्शन का विकल्प चुनते हैं तो ये दर्शाता है कि और अधिक बातचीत और चर्चा की आवश्यकता है।
यदि आप देख रहे हैं कि इस वर्ष दुर्गा पूजा कैसे मनाई गई, तो हम सभी सरकार के सलाहकार विभिन्न मंदिरों में उनके साथ उत्सव मनाने गए थे। बांग्लादेश सांप्रदायिक सद्भाव का देश रहा है और रहेगा। इन हिंसक घटनाओं पर भारत और अमेरिका जैसे देशों ने लगातार प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन बीबीसी ने पाया कि इस मुद्दे पर अब हिंदू एडवोकेसी ग्रुप्स भी सक्रिय हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर इस वेबसाइट को देखिए, इसमें बांग्लादेश के खिलाफ आर्थिक बॉयकॉट की मांग रखी गई है। इन्होंने पिछले दिनों न्यूयॉर्क में ये बैनर फहराया था जिसमें बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की रक्षा करने की मांग की गई थी। इस वेबसाइट को चलाने वाले लोगों ने बीबीसी के बार बार पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने पाया कि इसी साइट पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यों का जिक्र था। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP उसी संघ परिवार का एक हिस्सा है जिससे भारतीय जनता पार्टी भी जुड़ी है। वॉशिंगटन में स्थित हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इनके संबंध भारत सरकार से भी हैं। हम एक स्वतंत्र संगठन हैं। हम किसी विदेशी सरकार के साथ समन्वय नहीं करते हैं। ये बात सही है कि हम बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के साथ काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है सुनिश्चित करना कि अमेरिकी नेता इस हिंसा को समझें और बांग्लादेशी अंतरिम सरकार पर दबाव बनाएं, जिससे बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक सुरक्षित रह सकें। इस तरह के समर्थन से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं का हौसला बढ़ा है। आपने देखा होगा कि इस देश में सनातनी जनता और छात्र घरों से बाहर निकले हैं। चटगांव में साधु संतों की भी एक रैली आयोजित की गई थी। वहां अपनी दिक्कतों का जिक्र करने के लिए हजारों हिंदू अल्पसंख्यक जुटे थे। ये एक अकल्पनीय स्थिति है। हमने 2 नवंबर को पूरे बांग्लादेश में सभाएं और रैलियां आयोजित करने की अपील की है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर एक राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं। इन सब के बीच एक साधारण बांग्लादेशी हिंदू को अपने और अपने परिवार का भविष्य कैसा नजर आता है? विरोध ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से एक शांतिपूर्ण, सम्मानजनक और धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश तक की यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने समुदाय पर ध्यान देना है। जब मेरा समुदाय मजबूत होगा, उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा, तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना ताकत से कर सकेंगे, कमजोरी से नहीं। मैं एक आशावादी हूँ। यह एक खूबसूरत देश है। यहाँ के लोग मिलनसार और शांतिपूर्ण हैं, और यहाँ के 99% लोग बांग्ला बोलते हैं। इसे और भी बेहतर जगह क्यों ना बनाया जाए, यह संभव है। और बात हॉरर फिल्मों की, क्या आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है? बहुत से लोग हैलोवीन के दौरान डरावनी फिल्में देखते हैं। हॉरर मूवीज सिनेमा की दुनिया में काफ़ी मशहूर कैटेगरी भी है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे लोगों को डरावनी फिल्में क्यों पसंद आती हैं और इन्हें देखते हुए लगने वाले डर का हमारे और आपके ऊपर क्या असर होता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए बीबीसी संवाददाता क्रिस सिबथॉर्प की रिपोर्ट। ये फिल्में हमें डराती हैं और यहाँ तक कि चीखें भी निकलवा देती हैं, तो फिर ये हॉरर फिल्में क्यों कुछ लोगों को पसंद आती हैं? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये फिल्में हमारे अंदर छिपे डर को उभारती हैं। जैसे कोरोना महामारी की शुरुआत में वायरस वाली फिल्में बहुत पसंद की गई थीं। अमेरिका और डेनमार्क में किए गए शोध में पता चला कि जो हॉरर फिल्में देखने के शौकीन हैं, वो महामारी के हालात के लिए बाकियों के मुकाबले ज्यादा तैयार थे। तो ये फिल्में हमें घर पर बैठे ही खतरनाक चीजों से बचाव के लिए तैयार कर देती हैं, और फिर हमारा शरीर भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है। जब हम डर जाते हैं तो हम लड़ने या बच निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि डरावनी फिल्में हमें दुनिया में डरावनी चीजों से बचने के लिए तैयार कर सकती हैं। तो बीबीसी दुनिया में आज इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBCSarika। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।